मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा लेंगे अहम बैठक। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक होने जा रही है। सीएस सुधांशु पंत भी इस बैठक में शामिल होंगे। विभाग के आला अधिकारी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की ये बैठक रहने वाली है। सचिन शर्मा हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। सचिन, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की किस प्रकार की बैठक है जिसमें सीएम और सीएस भी मौजूद रहेंगे? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं सचिन से, क्योंकि बेहतर जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बता आपको ये दें, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सीएम बद्रीलाल शर्मा एक महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सीएस सुधांशु पंत भी शामिल होंगे। विभाग, दोनों विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिन हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात करेंगे। सचिन, मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा किस प्रकार की बैठक लेने जा रहे हैं जिसमें सीएस सुधांशु पंत और तमाम अधिकारी शामिल हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा जो है पूरी सरकार स्वास्थ्य महकमे को लेकर चिंतित है, स्वास्थ्य महकमे को लेकर गंभीर है। आज आपने देखा होगा किस तरीके से जो सुधांशु पंत है उन्होंने सुबह सुबह स्वास्थ्य भवन का दौरा किया, जिसमें कह सकते हैं कि कई अधिकारी जो है वो नदारद मिले। कह सकते हैं कि उसको लेकर भी सीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और साथ ही पिछले दिनों जब हमने जी राजस्थान ग्राउंड जीरो पर उतरा था और कई अस्पतालों में, कई जिलों के अस्पतालों में कह सकते हैं कि फायर एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपर व्यवस्थाएं जो है वहां पर नहीं मिली थी, उसको लेकर भी कह सकते हैं कि केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसने सभी चीफ सेक्रेटरीज को कह सकते हैं गाइडलाइंस दी है। और गाइडलाइंस देकर ये कहा गया है कि अपने अपने स्टेट के अस्पतालों में ये सुनिश्चित करें, सरकारी अस्पतालों में, कि उनके पास में प्रॉपर तरीके से स्टाफ को ट्रेनिंग हो, वहां पर अगर कोई ऐसी घटना होती है जिससे झांसी वाली जो घटना है वो दोबारा रिपीट ना हो। तो इसके सहित तमाम जो मुद्दे हैं चिकित्सा महकमे के वो भी इस मीटिंग में कह सकते हैं कि डिस्कस होने वाले हैं। और जो 17 नवंबर को जो चिकित्सा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली थी वो स्थगित करी गई किन्हीं कारणों से, लेकिन उसमें जो है कह सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पदे उसमें जो है वो बढ़ाने चाहिए, ताकि जो चिकित्सा महकमा है उसमें जो मरीज आते हैं, अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। इसलिए जो नेशनल इसकी फेडरेशन है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मांग भी करी है कि जो चिकित्सा जो अधिकारी है उनकी जो पद है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर उपचार मिल सके। तमाम जो मुद्दे हैं, कई और भी मुद्दे जो है वो इस बैठक में रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष जो है बद्रीलाल शर्मा जो है वो उन मुद्दों का रिव्यू करेंगे। जी शुक्रिया सचिन, आपका इन अपडेट्स के लिए, जानकारियों को साझा करने के लिए।